कंपनी द्वारा आदिवासी परिवार की जमीन पर अवैध तरीके से कब्जा। मैग्नीज प्रोसेसिंग के रासायनिक पानी और मलबे से जमीन हो चुकी बंजर। पिछले 20 वर्षों से न्याय के लिए तरस रहा आदिवासी किसान परिवार। तुमसर तहसील अंतर्गत आने वाले डोंगरी बुजुर्ग माइल लिमिटेड की बालापुर में ओपन कास्ट मैग्नीज खदान है। ओपन कास्ट खदान होने के कारण कंपनी को डेवलपमेंट हेतु काफी जमीन की आवश्यकता होती है। उसी के मद्देनजर लगभग 20 वर्षों पूर्व माइल लिमिटेड कंपनी ने स्थानीय आदिवासी किसान के 6 एकड़ की जमीन अकृषित कर 3 एकड़ की जमीन खरीद कर परिवार के एक व्यक्ति को कंपनी में नौकरी दी। लेकिन उक्त जमीन के गट क्रमांक 65/2 तथा गट क्रमांक 67 में लगभग 3 एकड़ जमीन का माइल लिमिटेड कंपनी द्वारा मुआवजा अदा नहीं किया गया और अवैध तरीके से जमीन पर कब्जा जमा लिया तथा उसके खेत में मैग्नीज प्रोसेसिंग का रासायनिक पानी एवं वेस्ट मटेरियल मलबा डंप कराया जाता रहा, जिससे वह जमीन पूरी तरह से बंजर हो चुकी है। आदिवासी किसान के खेत में कुआं और बोड़ी होने के कारण एक समय में खेत में लगभग 100 बोरे धान का उत्पादन किया जाता था। लेकिन माइल लिमिटेड कंपनी द्वारा जमीन पर अवैध तरीके से कब्जा जमाने के बाद वह जमीन पूरी तरह बंजर होने के कारण एक दाना भी फसल ले पाना मुश्किल हो गया है, जिसके चलते आदिवासी किसान परिवार को भुखमरी की नौबत आ चुकी है। गौरतलब है कि आदिवासी की जमीन बिक्री नहीं हो सकती, ऐसा शासन का नियम है। बावजूद इसके खान प्रशासन द्वारा अपने जरूरत के लिए जमीन खरीदी गई, लेकिन 20 वर्ष बीत जाने के बावजूद भी लगभग 3 एकड़ खेत का उस गरीब किसान परिवार को मुआवजा नहीं मिला, बल्कि उस जमीन पर माइल लिमिटेड द्वारा वेस्ट मटेरियल एवं रासायनिक पानी डमकर खेत को बंजर कर दिया गया। आदिवासी परिवार के सदस्य धर्मराज उइके द्वारा खान कार्यालय एवं मुख्य खान कार्यालय नागपुर तथा शासन प्रशासन को बार बार निवेदन देने के बावजूद किसान को निराशा ही मिली। सरकार चाहे जितनी भी आदिवासियों के विकास के लिए कटिबद्ध होने के दावे कर ले, लेकिन यह वह दावे खोखले नजर आ रहे हैं। ऐसे हालातों में शासन प्रशासन इसकी सुध लेकर आदिवासी किसान परिवार को योग्य न्याय दिलाए, ऐसी पीड़ित धर्मराज उइके ने गुहार लगाई है। माझे नाव धर्मराज तुकाराम उइके आहे। मी मौजा बालापूर हमेशा येथील रहिवासी असून माई एकूण 6 एकर जमीन होती, त्यापैकी 3 एकर जमीन माहेलने खरेदी केली आणि त्या मोबदल्यात घरच्या काही लोकांना माहेलमध्ये सामावून घेतले। उर्वरित जागा आम्ही पुढच्या वेळेस खरेदी करू असे आश्वासन देऊन मागील 22 वर्षापासून त्यांनी जमीन एने करून ठेवलेली आहे आणि माहेलच्या दूषित केमिकलयुक्त पाण्यामुळे ती शेती करणे आम्हाला 22 वर्षापासून कठीण झाले आहे। ज्या जागेत आम्हाला 100 बोरे धान्य पिकत होते, एक दानाही आम्हाला आज पिकवता येत नाही, कारण की माहेलच्या केमिकलयुक्त पाण्यामुळे पूर्ण शेत भरलेले असते आणि ते शेती करणं नामुश्किलच आहे। कोणत्याही परिस्थितीत शेती इथं होऊ शकत नाही, कारण की केमिकलच्या पाण्यामुळे शेती होऊ शकणारच नाही। आणि आमची शासन आणि प्रशासन यांच्याशी हीच मागणी आहे की उर्वरित जागा आहे ती माहिती प्रशासनने खरेदी करून त्या मोबदल्या घरच्या लोकांना नोकरी देण्यात यावी आणि जी 22 वर्षापासून कृषी करून ठेवलेली आहे त्याच्या मुआवजा आमच्या कुटुंबातील लोकांना देण्यात यावा। भंडारा गोंदिया जिला वासियों के लिए खुशखबर है, अब आपका मनपसंद चैनल BS क्राइम इंडिया न्यूज अब आपके केबल नेटवर्क पर, जी हां, अपने केबल नेटवर्क के एशियन चैनल नंबर 13 पर उपलब्ध है। BS क्राइम इंडिया न्यूज पर खेल, राजनीति, क्राइम, साहित्य व अन्य खबरें प्रकाशित की जाती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए तथा हमारे चैनल में खबरें, विज्ञापन आदि के लिए संपर्क करें 8669151757 पर।